राम राम दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हिमाचल राज फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गैसनाल सिरप के बारे में, जो कि पेट की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पेट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही फेमस दवा, इसलिए इसे डॉक्टर भी यूज करने की सलाह देते हैं और यह जो है आयुर्वेदिक दवा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस दवा की कंपोजिशन के बारे में और इस दवा को किन किन प्रॉब्लम में पेट की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके डोज के बारे में, सावधानियों के बारे में, सबसे जरूरी इस दवा का साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है उसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस दवा की पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए या फिर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो रोजाना आती है तो उस दवा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दवा के कंपोजिशन के बारे में, इसमें जो है दो कंटेंट को मिलाकर तैयार किया गया। पहला आप देखेंगे बिस्मोथ सिट्रेट यूएसपी जो है 126 mg और बेलाडोना जो है 9 mg को मिलाकर तैयार किया गया। अब बात करें यह कैसे काम करता है, तो यह जो विस्मो साल्ट है दोस्तों, उसकी बात करें तो यह जो है हमारे पेट के पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोएसोफेगस की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही अगर पेट में सूजन हो गया, फिर पाचन रोग हो गया या फिर इसके कारण जो है खाने की नली में जलन हो रही है, तो उस समस्या में जो है यह बिस्मोथ सिट्रेट जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है, उसमें फायदेमंद होता है उन कंडीशन में। और यह बेलाडोना जो है यह मुख्य रूप से हमारे नर्व फाइबर को प्रभावित करता है, जिससे एक्टिव थ्रोम्बोसिस, सेनस ऑर्गन्स और पल्सेशन को जो है कंट्रोल में रखता है। बात करें इसके यूज के बारे में, इसे जो किन किन प्रॉब्लम यूज किया जाता है, साफ साफ शब्दों में बताएं दोस्तों, इसे जो पेट की अनेक प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिससे सीने में जलन हो रही है या फिर पेट में जलन हो रही है, आपको भूख नहीं लगता है, कब्ज की समस्या, बदहजमी की समस्या है और एसिडिटी की समस्या को भी ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इन सब समस्या के अलावा दोस्तों, इसे जो है पेप्टिक अल्सर की समस्या को ठीक करने के लिए, या फिर आपका पेट भारी हो गया, आपको कच्ची ढकारें आ रही, खट्टी ढकारें आ रही है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, साथ ही गैस्ट्रिक इरिटेशन की समस्या है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस गैसनाल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को दोस्तों पेट के लगभग सभी प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको भूख नहीं लगता है, आपका खाने पीने में मन नहीं लगता है, इनडाइजेशन की समस्या है, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इस गैसनाल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करें इस दवा की डोज के बारे में दोस्तों, इस दवा को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो है आपके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, उम्र वेट के अकॉर्डिंग भी दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। नॉर्मली इस दवा की डोज की बात करें तो इसे जो है एडल्ट को जो है 10 ml सुबह और 10 ml शाम को इस्तेमाल कराया जाता है, 30 ml पानी के साथ मिलाकर। और अब बात करें इस दवा के लिए सावधानियों के बारे में, कि इस दवा के यूज के दौरान आपको जो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको क्रॉनिक डायरिया या फिर एक्यूट डायरिया है या फिर ड्रग एलर्जी या फिर लीवर में कोई गंभीर समस्या है, तो आप जो इस सिरप का यूज बिल्कुल ना करें बिना डॉक्टर की सलाह पर। और हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दवा ऐसी होती है जिनके साथ इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस गैसनाल सिरप का दवा के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे एटेनावीर हो गया, फिर एस्पिरिन हो गया, फिर एट्रोपिन हो गया, फिर पेप्सिन कैप्सूल हो गया, इन सब टेबलेट के साथ, कैप्सूल के साथ जो है यह गैसनाल सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं तो आपको कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस दवा के यूज से पहले जो है एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये तरह इस दवा के यूज जो सावधानियों के बारे में, अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में दोस्तों। तो इसका जो कुछ बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवा है, फिर भी कुछ लोगों में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे घबराहट की समस्या या फिर एलर्जी होना या फिर गले में खराश होना, दस्त की समस्या, तो आप जो घबराएं नहीं बल्कि इस टैबलेट का सेवन करना बंद कर दें, ये सब दिक्कतें भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और आप इसकी मार्केट प्राइस को देखेंगे तो यह आपको जो 115 rupees की 200 ml की पैकिंग में ऑल इंडिया में कहीं पर भी किसी भी मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाएगी दोस्तों। इसे जो है यूरो फार्मा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि एक पेटेंट दवा है। तो इसलिए इस दवा को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इस दवा का दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है पेट की समस्या को दूर करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये रही हमारी गैसनाल सिरप की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी या फिर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो आप जो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपको इस सिरप के लिए कोई डाउट रह गया या फिर किसी अन्य दवा की जानकारी चाहिए, तो आप जो उस दवा का नाम कमेंट कर सकते हैं, हम उस दवा की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।